हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि हमारे एक्स परसेंटाइल है, इतने परसेंटाइल है, मेरे इंग्लिश में 95 परसेंटाइल है, मैथ्स में 60 परसेंटाइल है, तो हमारे लिए क्या ये सेफ स्कोर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के लिए या नहीं। देखो यार, सेफ स्कोर है या नहीं ये बाद की बात है, पहले तो हमें ये देखना है कि आपने क्या सही एलिजिबिलिटी के अंडर रहकर CUET अटेम्प्ट किया है। क्या आप इस साल की जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, वो आपने पूरा किया है या नहीं किया है। तो आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ केसेस की बात करेंगे कि अगर आप गलती से उन केसेस के अंडर फॉल करते हो तो इस साल आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन पक्की बात है नहीं होना। सबसे पहला केस ये है और जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, उसका एक एग्जांपल मेरे पास है। एक मेरा ही स्टूडेंट है, उसने मुझसे डायरेक्टली पूछा कि भैया मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और 12th क्लास में मैंने PCM सब्जेक्ट्स करे हैं, लेकिन मुझे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स चाहिए था, इसीलिए मैंने CUET 2022 में इंग्लिश, पॉल साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स दे दिए सो दैट मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में एलिजिबल हो सकूं। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती उसने ये करी है कि 12th क्लास में जो उसने सब्जेक्ट पढ़े थे वो सब्जेक्ट्स डोमेन में उसने नहीं दिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बोलता है कि 12th क्लास में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, आप किसी भी स्ट्रीम से आते हो, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज या साइंस, आपको वही डोमेन CUET में देने हैं। उस बच्चे ने साइंस साइड से 12th करी थी, लेकिन ये सोच के कि मुझे आर्ट्स का एक कोर्स चाहिए तो मुझे आर्ट्स वाले डोमेन देने पड़ेंगे, ये उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस साल उस स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगा, एटलीस्ट DU में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो पहला केस आप समझ गए होंगे कि 12th क्लास में जो आपके सब्जेक्ट थे वही सब्जेक्ट अगर आपने डोमेन में दिए हैं तो ठीक है, अगर उसके अलावा कुछ दिया है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। दूसरा केस ये हो सकता है कि सिर्फ आपने एक डोमेन सब्जेक्ट दिया हो और एक लैंग्वेज टेस्ट दिया हो, सिर्फ इन दो के बेसिस पे आपको किसी भी कोर्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल सकता। इन शॉर्ट, आपको पूरे DU में किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा 2022 में। अगला केस ये हो सकता है कि आपने लैंग्वेज टेस्ट ना दिया हो और आपने सिर्फ सारे डोमेन दे दिए हो। आपने 12th क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़े हैं वो सारे डोमेन अगर आपने दे दिए हैं अच्छी बात है, लेकिन आपने लैंग्वेज टेस्ट ही नहीं दिया जो कि सेक्शन ए है, मींस लैंग्वेज टेस्ट है सेक्शन ए है, वो आपने दिया ही नहीं, तो अगेन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा इस साल DU में। एक और केस यहाँ पे हो सकता है कि आपने एक लैंग्वेज टेस्ट दिया हो और दो डोमेन सब्जेक्ट दिए हो और दोनों डोमेन सब्जेक्ट आपने 12th क्लास में भी पढ़े हैं, लेकिन स्टिल आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबिलिटी देखोगे तो कम से कम एक लैंग्वेज, दो डोमेन सब्जेक्ट्स और थर्ड डोमेन सब्जेक्ट भी मांगा हुआ है, मींस एक लैंग्वेज टेस्ट और तीन डोमेन आपको मिनिमम चाहिए किसी भी कोर्स में एडमिशन के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एक और केस यहाँ पे हो सकता है कि आपने एक लैंग्वेज टेस्ट दिया हो और एक जनरल टेस्ट दिया हो, इन दोनों को मिला के भी आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर हम BBA, BMS और BBE की भी बात करें तो वहां पे भी आपको एक जनरल टेस्ट, एक लैंग्वेज टेस्ट और एक डोमेन मांगा हुआ है, और डोमेन में यहाँ पे BBA, BBE और BMS वाले केस में डोमेन में आपका मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है, मींस लैंग्वेज टेस्ट, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट, ये तीन अगर आपने दिया ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक चीज नहीं दी तो आपको इन कोर्सेज में भी एडमिशन नहीं मिलेगा। जितने भी कोर्सेज हैं जो जनरल टेस्ट मांगते हैं, जैसे BA प्रोग्राम हो गया, BBA वाले कोर्सेज हो गए, उन सभी में आपको एक डोमेन सब्जेक्ट कम से कम देना पड़ेगा और एक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा और जनरल टेस्ट तो कंपलसरी है ही। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ये डाउट था कि क्या हम इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं इतने मार्क्स पर, तो पहले आप ये देखो कि आपने ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करे हैं या नहीं करे हैं। मिनिमम मार्क्स बाद में देखना, पहले ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करो, अगर है फिर आगे बात करेंगे। जो स्टूडेंट्स इन केसेस में आते हैं जो मैंने अभी अभी बताया, जो 4-5 केसेस मैंने आपको बताए हैं, तो उनको इस साल एटलीस्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको अगले साल फिर से ट्राई करना होगा। आज के लिए इतना ही। स्टे कनेक्टेड बिकॉज एवरी विद्यार्थी सब्सक्राइब्स एडुखबरी।